क्यों तोड़ना चाहते हैं ये मामा जान वजह क्या है तो आप यूं करें जी आप ना सारे खर्चे हमारे भी उठा लें कोई बात नहीं आप हमें दो महीने का अपना मेहमान समझ लें आप मेहमान ना बने आप हमें मेहमान बना लें सात आठ नौ दस लोगों को दी व्यूवर्स को भी कसम दे दी नाराजगी से ज्यादा चैनल को टारगेट किया गया है सुनिए जरा सुनिए बड़ी पॉइंट की बात की है इन्होंने पते ले गए आपने क्या तरबियत की आपने क्या किया आपने बागी बच्चों को होने ही क्यों दिया कि अपने घर से रुखसत करे बेटी को ये बाबा जी कह रहे हैं सितारा को भी थोड़ा सा आड़े हाथों लिया और आपके बच्चियों की कहां, कहां से रुख्सती हुई आपकी आज ये बताइए जरा नजरीन कैसे हैं आप सब ठीक है सबको बहुत सारा प्यार तो जी जनाब वीडियो शेयर करने से पहले लाइक ठोक दो क्योंकि होता है फ्री में और कर दो और क्या है। <laughs> तो जी जनाब कहते हैं के बाद दुल्हन गाड़ी आ, में बैठे अभी गाड़ी चली ही नहीं थी कि दुल्हन गाड़ी से फौरन निकल के दूल्हा दुल्हन लहंगा संभालते हुए बाहर निकली और माँ बाप की तरफ दौड़ी हर आख अक्ष मतलब रोने वाली थी यहाँ तक कि दूल्हे की आंखों में भी आंसू आ गए बाप ने पूछा बेटी क्या हुआ दुल्हन ने सर झुकाए और बोली अब्बू मोबाइल का चार्जर मैं भूल गई थी वो लेने जा रही हूँ <laughs> यार या कैसे कैसे लोग हैं कैसी कैसी झुकते हैं करते हैं झुकते <laughs> करते हैं मसाइया दूल्हा दुल्हन पे कि अब जो है या तो लड़कियाँ रोती नहीं है एकदम <laughs> ना खराब हो जाए या फिर अगर रो रही है तो दिमाग में ये चल रहा था मेरा मोबाइल का चार्जर कोई और ना इस्तेमाल कर ले है। फड़ो जरा इसको फड़ो और <laughs> क्या सच्ची में ऐसा होता भी होगा <laughs> अच्छा जी वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ठोक दें क्योंकि होता है जनवन फ्री में और उसके बाद जो है बात करेंगे यही रोला फड्डा यही कंट्रोवर्सी शादी तोड़ने की कोशिशें शादी आ, ना हो पहले तो रिश्ता ना हो जब मंगनी टाइप की गई थी उस टाइम से ही ये चीज़ें चल रही हैं कि रिश्ता हो ही ना वकार के साथ आ, फिर आखिर वजह क्या है क्यों तोड़ना चाहते हैं क्यों तोड़ना चाहते हैं ये मामा जान वजह क्या है असल में बात क्या है असल में कीड़ा क्या है किसी को कि ये क्यों तोड़ना चाहते हैं शादी अच्छा जी कुछ लोग कह रहे हैं यार से जो है हटाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि कभी क्या कभी क्या कभी क्या, क्या इस तरह से चीजें चल रही हैं कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कुछ लोग क्या बोल रहे हैं नजमा ने भी अपने अब्बा की कोई पुरानी वीडियो कुछ दिन पहले वाली वीडियो जो है जब दिन रखे गए थे उस टाइम की ये वीडियो है वो बनाई गई है तो वो भी इसने अपलोड की है अब्बा जान की तो जहाँ पे ये अब्बा जान पहले भी बेटों को लान तान कर रहे थे फिर फिर इसने अभी नजमा को किया फिर उसके बाद फिर अब जो वीडियो आई है इसमें भी आ, काफी आ, जो है इस तरह के बातें वगैरह जो है आ, की हैं बाबा जी ने और अपने बेटों के बारे में और मैं हैरान हूँ कि आखिर ये किसी की खुशी क्यों नहीं देख पाते क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते पहले जैसे कि सितारा दुखी थी उनके हस्बैंड की शादी हुई परेशान थी अपसेट थी दिल टूटा हुआ था और टूटी हुई बंदी लेकिन खैर फिर उसने अपने आप को मजबूत किया जोड़ा और कहा कि अच्छा यार चलो गुरबत की चक्की में पीछी पीसी हुई बंदी हूँ गुरबत में जो है पिस पिस के अभी आगे आए हैं हम लोग तो चलो थोड़े से बड़े हो गए हैं समझदार भी हो गए हैं बच्चे हैं इनका मुस्कबिल बनाते हैं चलो यार इधर ही ध्यान देते हैं यूट्यूब की तरफ और इधर ही ब्लॉग वगैरह बनाते हैं और अपना ध्यान देते हैं बहन ने बुला लिया बहन के पास गई वहाँ पे जब उन्होंने दो महीने की सैलरी देखी आंखें फटी की फटी रह गई हुआ क्या है आपकी सैलरी इतनी क्यों आ रही है आप यूँ करें आप ना सारे खर्चे हमारे भी उठा लें कोई बात नहीं आप हमें दो महीने का अपना मेहमान समझ लें आप मेहमान ना बने आप हमें मेहमान बना लें सात आठ नौ दस लोगों को ठीक है जी वो चलुए भी थे ना तो हम लोगों को मेहमान बनाओ तो हमें अपना मेहमान समझो ठीक है जी वही हुआ वो बेचारी वापस आई तो उसके बाद ये कश्मीर पॉइंट पे इधर उधर घूम फिर रही थी तो वही हुआ इल्ज़ाम की बोछ छाड़ और इस तरह से खुशी बर्दाश्त ना की गई जैसे वो गाड़ी उसने ली घर लिया था गाड़ी ली थी गांव में घर लिया था जो बहावलपुर वाला तो फिर कराची में गाड़ी ले ली उसके बाद जो है ये चीज़ें जो है समझ नहीं आ रही थी लोगों को व्यूज़ उधर से कम होना शुरू हो गए थे पहले सितारा के होते बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते थे खैर तो ये बोछ इल्ज़ामों की लगा दी गई कि भाई जो है ना अभी अभी ये रिसेंटली जो बाबा जान की वीडियो आई है इसमें भी व्यूज़ की बात की है उन्होंने कि इसको व्यूज़ मत दो इसको व्यूज़ मत दो तुम लोगों को कसम है अगर तुम लोग मैं बल्कि एक कमेंट पढ़ रही थी एक सिस्टर का वो लिखती हैं कि बाबा जी व्यूवर्स को भी कसमें दे रहे हैं कि तुम लोग अगर हो ना अपने वालदेन के तो तुम लोगों ने इनको इनको जो है व्यूज़ नहीं देने <laughs> आ, वाइट नील वाइट नील, वाइट नील आ, के नाम से हमारे पास हमारी बड़ी प्यारी सी व्यूवर्स हैं वो कहती हैं बाबा जी नजू नजो को तो बद दुआ दे दी व्यूवर्स को भी कसम दे दी कि अगर आपने बा, माँ बाप से प्यार करते हो तो नजो के व्लॉग को ना देखें नाराज़गी से ज़्यादा चैनल को टारगेट किया गया है सुनिए ज़रा सुनिए ये वाइट नील हमारी सिस्टर हैं बड़ी पॉइंट की बात की है इन्होंने पते की बात की है कि आप नज्जो मतलब अगर बात नज्जो की हो रही है लेकिन उन्होंने चैनल को टारगेट किया कि चैनल को मत देखा जाए मतलब यही हुआ सितारा के साथ भी यही हुआ जब हम लोगों ने सवाल किया ना हम लोगों ने अपने पॉइंट रखे कि आप लोग ये चार दीवारी में भी तो बात कर सकते थे ना अगर सच्चे हो आप लोग तो यहाँ पे आने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे तो उल्टा आप लोगों के ऊपर भी चीज़ें आएंगी जाहिर सी बात है इतना बड़ा ख़ानदान है आप लोगों का तो कहा जाता था रिप्लाई तो आते थे ना हमें कहा जाता था लाइवों में बैठ बैठ के रिप्लाई दिया करते थे तो कहा जाता था कि देखें जी हमारा मकसद ही यही था इसका ज़रूर तोड़े इसको यूट्यूब से हटाएं मैंने भी कसम खाई थी तो इसको यूट्यूब पे दलील करूँगी तो अभी रानी रानी हमारी बड़ी प्यारी सी बहन है वो कह रही हैं ऐसा लगता है कि ये सब रिश्तेदारों को की मंजिल एक ही है और वो है जेल की सलाखें के पीछे कीप ऑन फाइटिंग एंड प्लॉटिंग यूट्यूब विद रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन लुश बुश नागिन बंदर हकमा आज एंड फ्यूचर गुलाम डैड तो ये इस तरह से अपने आप पे जो ये चीजें ले लेके आ रहे हैं देखो अगर आप जो के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो आपकी बेटी है वो आपने परवरिश की है आप अपने बेटों के बारे में कह रहे थे तो वो भी आपकी परवरिश की हुई है आपने ऐसे इनको कैसे छोड़ दिया आपने ऐसी परवरिश कैसे की कि बच्चे जो हैं बागी हो गए आ, ये जो है आ, हाँ मैसेज uh, आया हुआ था कमेंट नशीन मुझे लगता है बाबा जी और उसके बच्चे वकार फैमिली को पसंद नहीं करते इनकी वजह से ये शादी टूटने वाली थी अब ये शादी हो रही है तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा फ्रॉम रशीदा फातमा रशीदा फातमा है तो ये जनाब ये कह रही हैं इन्होंने अपना ये ओपिनियन दिया है यासमीन करी मैं वो कह रही हैं बाबा जी को पहले से ही आदत है अपने ही चलाना मतलब किसी की नहीं सुननी अपनी ही चलाना अपनी ही सुनाना इसी वजह से इनके बच्चे बागी हो गए सिर्फ अपनी सुनाते रहना दूसरों की सुनते ही नहीं हैं अच्छा जी एन एस सिस्टर हैं वो कह रही हैं नौशीन जी मुझे फातिमा और वकार के लिए बहुत बुरा लग रहा है सितारा ने इसे शादी को करवाने का वादा लिया था बट आ, <laughs> बहुत पापड़ बेले हैं सितारा ने इस शादी के लिए इनकी शादी करवाने के लिए अब तो सच में लगता है कि शादी जल्दी हो जाए बाकी शादी तक तो और वीडियो और लोगों की हसद देखने को मिलेगी और केसेस के बाद तो सितारा को बहुत लोग प्रेशर डालने के लिए आएंगे सितारा जैसे दिल इनके घर पर किसी के पास नहीं थोड़ा एक सब्र करके बच्ची की शादी तो हो लेने दें एक बच्ची की शादी तो हो लेने दें बाकी यास्मीन करीम कह रही हैं सितारा के गांव में अच्छी बड़ी साफ सुथरी जगह है दूल्हा का घर भी करीब है तो दोनों तरफ के लोगों को भी सहूलत होगी ओ माय गॉड जो सितारा के ब्लॉग में और वकार के ब्लॉग में मैंने जो फोक देखी है ना यकीन वाने दूर से लोग कहाँ कैसे आएंगे इतनी सर्दी में यार अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल हो जाए कोई चीज़ हो जाए हैं इतनी शदीद फोग इतनी शदीद सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी है लेकिन शुक्र है इन्होंने यहाँ पे रखी है उनका रास्ता तो और ही ख़राब है आ, 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 वो दूसरा जहाँ ये रहते हैं खानपुर वाला खैर यहाँ पे ये यह कहती है दोनों तरफ के लोग ही सहूलत दोनों के लिए हो जाती है पता नहीं राजमा के घर में बाबा जी सब कहाँ बिठाते बस अपनी जिद और हथ बताते हैं साजिद के फादर को भी तो देखो हर चीज़ में वो खामोश रहते हैं वो किसी को कुछ नहीं कहते खुश रहते हैं रईस ख़ानदान की ही कुछ अजीब सी चीज़ें हैं अजीब सी बातें हैं बिल्कुल ऐसे ही है यार अगर बच्ची की शादी हो रही होने दो तो यार अर्जेंट रिएक्शन आ जाना पहले या तो आपको बिल्कुल इग्नोर किया जाता आपकी बीवी आपको बिल्कुल आपको इग्नोर करती और ना सुलह मारती या साजिद आपको ना कहते या अगर न जो हाँ मुझे भी लग रहा है न जो ने नहीं बोला गा ना जो बढ़ चढ़ के भाग भाग के ना गाने गा रही होती है अब्बा के लेकिन अगर नहीं बुलाया बैठ जाओ चुप करके सब्र से खामोशी से बड़ों का काम ही यही होना, होता है दुआएं देना ना कि ये कहना अच्छा किसको बुलाया इसको बुलाया उसको बुलाया हो सकता है बाबा जी ने कहा कि मेरे बच्चों को बुलाओ अगर वो बच्चों को बुलाती है फिर सितारा नहीं आती सीधी सी बात है भाई अगर वो करते हैं हर जाए फिर टोरे बेटी को बहन को भतीजे भांजी को तो टोरें तो दुआओं के साथ टोरें तो लेकिन खर्चा किसी ने भी नहीं करना बाबा जी अपनी वीडियो में यही रोना रो रहे हैं कि मेरा बेटा जो है मैं जब सऊदीया में था मैं अगर नीचे लेटा होता था तो वो ऊपर बैठे रहते थे अगर मैं ऊपर होता था तो ये नीचे बैठे रहते थे ये लोग पूछते तक नहीं थे मैं बीमार था मेरी हालत बहुत बिगड़ गई थी मेरे बच्चों ने मेरी तबीयत तक ना पूछी एक बार भी नहीं पूछा अबा जान आपकी कैसी तबीयत है मेरा भाई मुझे ले गया हॉस्पिटल भाई आपके भाई ले गए आपने क्या तरबियत की आपने क्या किया आपने बागी बच्चों को होने ही क्यों दिया एक नहीं सारे और फिर आप कह रहे हैं कि नज्जो को चाहिए कि अपने घर से रुखसत करे बेटी को ये बाबा जी कह रहे हैं सितारा को भी थोड़ा सा आड़े हाथों लिया और टारगेट किया ना तो यहां पे आपके बच्चियों की कहाँ से रुखसती हुई आपकी आशा की कहाँ रुखसती हुई है बताइए जरा नजमा ने सारा कुछ बताया हुआ है यूट्यूब पे जब ये डीडी और ये एक दूसरे को सवाल जवाब कर रहे थे ना तो फिर वो आ, जो है जवाब में वीडियो बनाती थी ना व्यूवर्स जाके सवाल जवाब करते थे तो उसने बताया किसी और के घर से शादी हुई थी नजमा नजमा की अपनी रुखसती किसी और के घर से हुई हुई है मामू के घर से मामू के घर से हुई थी शादी उसके पड़े हैं ब्लॉग बताया उसने उसकी बहन एक जो है वो तो भागी हो गई वो तो भाग गई थी ये वाली जो बहन है ये भी भाग गई थी घर से तो इसकी रुखसती भी किसी और के घर से हुई थी तो उसको भी तो आप मिलते हैं मोहब्बत देते हैं प्यार देते हैं शफकत देते हैं बड़े भाई ने बिठाया हुआ भाभी ने घर में पहले तो घुसा नहीं रहे थे पब्लिक के प्रेशर से घुसाया है कि हम लोगों को क्या जवाब दें लोगों को यूट्यूब वालों को अगर बताते कि यार ये भगोड़ी है या ये, ये है वो है तो इन्होंने फिर शर्मिंदा होना था इसलिए फिर मिलना ज़्यादा मुनासिब है कि लोगों की ज़बानें बंद हो जाएँ लोगों को हम मौका ना दें लेकिन भाई उससे पहले वीडियो बन चुकी हैं आपके ख़ानदान में से तो अब इस बच्ची की अगर हो रही है शादी भाई होने दें अर्जेंट रिएक्शन आ गया फिर नज्जो ने भी जो रिएक्शन डाला है वो अब्बा का ही डाला है अब्बा की ही वीडियो है लेकिन सोचने पे कासिर हूँ मैं कि यार की शादी को क्यों रुकवाया जा रहा है और चैनल को भी टारगेट करवाया गया ये एक दूसरे के चैनल के दुश्मन है बहुत दुश्मन है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दुश्मन है कि कोई आगे ना निकले कोई भी आगे ना निकले ਸੁਣਨੇ ਮੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮuje ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਲਗਾ ਓ ਤੇਰੇ ਦੀ ਓਏ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਗੁੰਜਾ ਉਹ ਗੁੰਜਾ জাফর ਇਹ ਦਰੰਗ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਲਾ ਨੱਜੂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੈਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਲਾ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਓ ਤੇਰੇ ਰੱਬਾ ਯਾ ਅੱਲਾ कम्यूनिटी का रोला तो नहीं ख्याल है ये हाल है ये हाल है ये जो मैंने अभी कमेंट पढ़ा है बिल्कुल उस बहन की सही बात है कि यार आपका गुस्सा है आप बेटी तक रहो आप उल्टा कह रहे हो उसको व्यूज ना दो व्यूज ना दो जजादे आपने बेटों को दे दी व्यूज अल्लाह मारी वो सितारा के चलो तो से ही सही चैनल उसका चल रहा है तो बाबा जान कहते हैं कि चैनल भी बंद करवाओ इसका इसको व्यूज ना दो व्यूज पे ही ये लोग क्यों अटके हैं समझ से बाहर है समझ से बाहर है बाबा जनाब, बाबा जान फरमाते हैं मैं बीमार पड़ा रहता था मेरी दवा नहीं लेते थे मेरे बेटे जब सऊदीया की ये सऊदीया की बात कर रहे हैं मेरा भाई मुझे ले गया हॉस्पिटल उसने मेरी दवाई ली मेरे बच्चे मुड़ के नहीं देखते थे ना दरवाजा खोल के देखते थे मैंने सारी जिंदगी कमाया इनको पैसा दिया लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया हेटर लोग डेली बोलते हैं कि बाबे ने ये कर दिया बाबे ने वो कर दिया बाबा जो है जुल्म करता है उसको घर नहीं देता तो भाई वो मेरा बेटा अगर पचास रुपए कमाता था तो सौ रुपए खर्च करता रहा है ये इतना फजूल खर्च है मेरा बेटा ये सगा बाप कह रहा है ठीक है जी ये नजमा के लिए भी और इनके लिए भी ये सगा अब्बा कह रहा है कहते है ये सौ रुपये कमा अगर पचास कमाता था तो सौ रुपये लगाता था अपने पे खाना है खर्च करना है भाई हर हाल में यही जिंदगी अच्छी है।, है खुल के तो अच्छा जी Uh, उन्होंने कहा कि मेरी दवाई नहीं लेते थे और अब ये रोता फिरता है और कहता है कि मुझे घर नहीं दिया अब्बा ने तो घर तो उसने लोगों को सिंपति ले रहा है ये दिखावा कर रहा है हमने जो भी कमाया इनका इनके लिए जदादें बना के दे दी अब बेचे बटाएँ खाएँ घर बनाएं कमाएँ भी सही रोना पिटना कैसा यूट्यूब पर आ जाता है बाप को बदनाम करता है फिर हेटर मुझे गाली देते हैं तो नज्जो कहती है यो ये जो हेटर है ये इसकी बहनें बनी हुई हैं तो वो तो उसका वो ख्याल रखेंगी तो यही बहनों ने तुनवा दिया आपके भाई को भाई इन्होंने ही हल्ला शेरी दी थी आज के साथ लाइव जो आया था तो उसके बाद जो है वो जब फंस गया तो आप कहती हैं ये तो डबल फेस बंदा है तो इसका साथ नहीं देते बड़ी गंदी गालियां दी जा रही अब उस साइड पे सल्लू को बुरा भला कहा जा रहा है ठीक है जी वो अब इसको अच्छा नहीं समझते हर लाइव में इनको बुरा बोला जा रहा होता है आपके भाई जान को कहता अब्बा कहता हैं मैंने अपनी मेहनत से एक घर अपने लिए रखा तो वो भी इन लोगों को चुपता है और बड़ी बदएँ दे रहा था जैसे नजमा को दी हैं लानत हो इस पे फलाना हो अल्लाह की लानत बाप की खिदमत नहीं करते ये करते हैं वो करते हैं इसी तरह बेटों को भी यही लान तान कर रहे है और बुरा भला कह रहे है अच्छा जी अनजमा भी कहने कहने लग गई उस वीडियो में कि देखें जी ये कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं मैं बीवी का खर्चा नहीं उठा सकता लेकिन ये बंदा ससुराल में पैसा भेजता है जहाँ पे बीवी भी खर्चती है और वो लोग भी खर्चते हैं खर्चते हैं खर्चते हैं भेजता है, खरचते है, खरचते है, है। <laughs> बाबा जी ने खूब हेटर्स को तो खूब ही धोया इन्होंने बहुत ज़्यादा और आ, मैं हैरान हूँ वो बार बार कह रहा था कि हेटरों को कह रहा था कि मेरे बेटों को बागी मत करो वो अपना कमाए और खाए अच्छा यहाँ पे मैं एक बात करूँगी अब्बा ने जो वीडियो बनाई है इस शादी पे कितने लोग हैं जो इस शादी से बाइकआउट हुआ है कितने लोगों का हुआ है महरूम हो गए इस कंटेंट से महरूम हो गए और अब इस सदमे में हैं <laughs> सदमे में सदमा ही कहेंगे सदमे में आया पहली तो बड़ी बाजी सदमा हो गई उसके बाद बाबा डीडी बीबी बीना नाना चा चाचा अनवर बड़ी जो है वो आशा अजगर सल्लू इतने लोग जो है इस कंटेंट से जो है और कैमरा मामा जान भी तो है यार मामा जान भी तो है इस कंटेंट से <laughs> महरूम हो गए हैं और वो इस वीडियो को कैप्चर नहीं कर पाएंगे शादी को तो खैर अल्लाह अल्लाह क्या कहें अल्लाह बस इन लोगों की मदद ही करे लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है शादी ख़राब करने की शादी रोकने की और अशवा की दफ़ा भी यही हुआ है और इस दफ़ा भी यही हुआ है ये लोग एक दूसरे की शायद खुशी बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे के व्यूज बर्दाश्त नहीं करते और इसी तरह से ये चीजें हो रही हैं अभी ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी अभी दुआएं देनी चाहिए थी कि अच्छा भाई बच्ची की शादी हो जाए बाद में देखी जाएगी आप बढ़ चढ़ के ये वीडियो बना रहे हैं लेकिन पिछली ही अपनी वीडियो में आप तरला जो है अम्मा कर रही है और आप कह रहे हैं मैं नहीं, मैं नहीं। अब जिद बच्चों वाली जिद कर रहे हैं और बड़े हंसी खुशी कह रहे हैं उसमें आपने एक भी ताना नहीं मारा एक भी बात नहीं की उनके जाने के बाद फ़ौरन बिहेवियर चेंज हो जाना ये बड़ी बात है आप मुसलसल दो तीन वीडियो में अम्मा जहाँ मिनता मिनते तरले कर रही है वहाँ पर आप खुशी खुशी कह रहे हैं कि मुझे एलर्जी है मैं जाऊँगा मैं तंग हूँगा सर्दी है ये है वो है मैं नहीं जाता लेकिन उसके फ़ौर बाद इतना बड़ा रिएक्शन और बदवाओं का सलाब ले आ गए आप ये सारा कुछ समझ से बाहर है तो खैर देखते हैं अभी ये रिएक्शनों की भरमार होती है या थोड़ी सी खामोशी हो जाती है लेकिन जो ने वीडियो सिर्फ बाबे की ही डाली है खुद रिएक्शन नहीं दिया वरना मजीद हो सकता है बात बढ़ भी सकती थी खैर यहाँ पे सितारा के ब्लॉग की भी बात करेंगे बड़ा ज़बरदस्त ब्लॉग जनाब वो अपनी सौतनिया ओ ओ मेरी सौतनिया अपनी सौतनिया को लेके आई सज्जू के साथ जाके और सज्जू का बिल एक अंदाज कैसा था गमला सर पे रखा हुआ है क्या तुमने <laughs> टोपी पहनी हुई थी गमला सर पे रखा हुआ है तो खैर बेगम बेगमसरिया को लेके वो लोग चले गए रात के बहुत रात हो गई थी यार और वहां पे खैर उन्होंने पहले चाय शाय पिलाई और उसके बाद जो है इन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा लिया और गाड़ी भरी और जनाब गए और इतना मुश्किल रास्ता वो मेरे रब्बा इतना बहुत जबरदस्त मतलब धुंध थी बहुत जबरदस्त के मतलब एक फुट पे भी नहीं नजर आ रहा था खैर थोड़ा सा उन्हें सहारा मिला उसके बाद फिर ये लोग फंसे फंसाते चले तो गए और उसके बाद कुछ रास्ते में खाना छाना भी इन लोगों ने खाया और उसके बाद जब और आगे गए तो उसके बाद जनाब सि सितारा कहती ट्रक वो कहते नहीं है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लो तो हम भी ट्रक के बत्ती के पीछे चलते हैं लेकिन खारी इन्होंने बस की बत्ती के पीछे रखा गाड़ी को और मुश्किल सफ़र आखिरकार घर जा के ये पहुँचे नानी को मुस्तफ़ा मिला बड़ी मोहब्बत से बड़ी चाहत से और कहता है अम्मा अब अपनी इस्लामाबाद हमारे साथ जाना बच्चे बड़े उदास हो रहे थे कहते घर खाली खाली लगता था नानी अम्मा नहीं थी वरना नानी अम्मा बैठी हैं है बात कर रही हैं माँ कभी व्लॉग बना रही है कभी घर का काम कर रही है कभी सो सो जाता है बंदा तबीयत अच्छी नहीं होती तो बहुत जल्दी तबीयत होती है या फिर कहीं शॉपिंग के लिए जैसे उनको निकलना पड़ता था कभी लहंगा देख कभी ज्वेलरी देख कभी चूड़ियाँ देख इस तरह से तो बच्चे बड़े उदास हो रहे थे तो कहता अम्मा बड़ा उदास था घर भी खाली खाली था आपके बिना आप हमारे साथ हैं अम्मा को तो वैसे भी सितारा के साथ ही चले जाना चाहिए यार चाचा जान दो वैसी सऊदियाँ जा रहे हैं <laughs> कह रहा रहेगा वहां वहाँ पे जी हूंगा मैं नहीं आता अब यहाँ पे <laughs> अच्छा जी उसके बाद है सितारा लाइटिंग दिखाने ले गई सबको भाई लेट पहुंचे ना घर तो लाइटिंग सबको दिखाई कि यार फिर अगली रात तक क्या वेट करें आओ सारे बाहर फिर लाइटिंग चलवाई सारे खुश हो रहे थे इतना बहुत ज्यादा अभी और लाइटिंग भी लगनी है लाइटिंग ही देख के खुश हुए जा रहे थे वाकई बात तो सही है यासमीन करीम सिस्टर का कमेंट आया था कि एक साफ़ सुथरा घर ही नहीं गई है चलो हो रहा है फंक्शन होने दो यार उसके भी पीछे पड़ गए तो सबका भला है जिस तरह की धुंध है और ये ये रस्में वगैरह जो होती है ना मेहंदी शहंदी लगाने वाले फराकीियों में जाते हैं दुल्हन वाले जाते हैं दूल्हे को लगाने दुल्ह दूल्हे वाले जाते हैं दुल्हन को लगाने के लिए मेहंदी ये रस्म होती है तो वो भी इनका तो सारा मिस हो जाना था अच्छा भी शायद ना लगता तो शायद इसलिए भी ये चीज़ें जो है सारी ये लोग कर रहे हैं खैर सानू की जो भी करे हर बंदे की अपनी मर्जी है अपना एक तरीका है कार है चल रहे हैं चलने दें तो ये थी जनाब हमारा रिव्यू और रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़